चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फुल चैप्टर रिवीजन हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले रिवीजन से पहले आपको पता होना चाहिए कितने मार्क्स का ये चैप्टर है। कितने मार्क्स का चैप्टर है ये? 12। और हमने एनालिसिस किया है पिछले 4 पेपर का, महाराष्ट्र बोर्ड ने 12 चारों पेपर में 12 मतलब बाईपास नहीं किया है। इकोनॉमिक्स में प्लस माइनस 1-2 होता है, एसपी और ओसी में कोई भी चैप्टर में महाराष्ट्र बोर्ड ने कम ज़्यादा नहीं किया है। सो पहला समझ में आया कितने मार्क्स का। अभी हमारा एनालिसिस बताता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव दिख रहा है ए बी सी डी, ये 20 में से करीबन 3 मार्क के 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे करीबन, और एक 5 मार्क का डिस्टिंग्विश नहीं है पहले चैप्टर में। सो एक ऑलरेडी यहाँ पे पूछा है 4 मार्क का और एक 5 मार्क का। सो 5 और 4 9 और 3 ऑब्जेक्टिव कितने हुए? 12 मार्क। लॉजिक समझ में आया? 8 मार्क का इसमें आएगा नहीं। 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 5 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन। 4 मार्क में जस्टिफाई में भी आ सकता है या आंसर इन ब्रीफ में भी आ सकता है, पर डिस्टिंग्विश में नहीं आएगा क्योंकि इस चैप्टर में है ही नहीं। नाउ शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर में 1.1 से लेकर कितना है? 1.7। अभी ये 1.1 और 1.2 जो है ये आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे एक टेक्निक बताया मीनिंग, और इससे आपका 1.1 और 1.2 ऐसे हो जाएगा। सो इसमें से नहीं किया तो भी चलेगा। समझ में आया? 1.1 मतलब मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट की बात करता है। अच्छा, इस चैप्टर में कुल 5 क्वेश्चंस है। कितने? 5 क्वेश्चंस है। पहला, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा, सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तीसरा, ये तो 4-5 लाइन का थ्योरी, इसका कोई महत्व नहीं है। सो तीसरा, हेनरी फेयोल और फ्रेडरिक विंस्लो के 2 क्वेश्चन है उसमें, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स। सो इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आपको करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। लॉजिक समझ में आया? यस और नो? नो। जब आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं, मेरा एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, आप नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट शुरू करने के बजाय आप हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल से शुरू करोगे। तो एक तो प्रिंसिपल के 14 पॉइंट्स है, और वो जो 14 पॉइंट्स है उसका मैंने एक स्टोरी बनाया हुआ है, ठीक है? वो स्टोरी जो है मैं आपको बताता हूँ। ये स्टोरी की मदद से आपके 14 के 14 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। इनफैक्ट हर एक क्वेश्चन का मैंने स्टोरी बनाया। जैसे पहला नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सन स्टोरी है, दूसरा सिग्निफिकेंस का घंटा गाड़ी के पर स्टोरी है, हेनरी फेयोल पर कॉलेज के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का स्टोरी है, उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स का साइंस प्रैक्टिकल और आइंस्टाइन का स्टोरी है, और ये मैप्स ऑफ इंडिया। 5 क्वेश्चन है, 5ों के पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने स्टोरी बनाया हुआ है। मैं हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद स्टोरी वहीं पे बताऊंगा। ऐसे 1 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, फिर स्टोरी, ऐसे आपको 5ों बताऊंगा। लॉजिक समझ में आया? नाउ जब भी आप शुरू करोगे पढ़ाई, मेरा एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, आप शुरू करो हेनरी फेयोल से, क्योंकि यदि आपको नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करना है, ये जो एग्जांपल्स है ये मेजॉरिटी हेनरी फेयोल के इसमें से लिए, तो आपने हेनरी फेयोल का कर लिया तो उसके बाद आपको एग्जांपल समझने और लिखने को आसानी होगा। लॉजिक समझ में आया सबको? तो शुरू करते हैं हेनरी फेयोल के बारे में। नाउ हेनरी फेयोल का है 14 प्रिंसिपल। मैं आपको 14 के 14 प्रिंसिपल पॉइंट्स के थ्रू लर्न कराऊंगा, लेकिन एग्जाम में 5 या 4 उससे ज्यादा आता नहीं है। ऊपर से मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में 5 में से कौन सा, जहां पे ड्राइंग है ना, ये खास करके ये आपको अटेम्प्ट करना है। तो अभी शुरू करते हैं हेनरी फेयोल का। उन लोगों ने पूछा, बोला एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल। तो आप डायरेक्ट शुरू नहीं करोगे, आप क्या बोलोगे? मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, जैसे ए बी सी डी, और फिर ई आपका बनेगा प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल। पहला, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? एक प्रकार का फंडामेंटल ट्रूथ है जिसको आप सही मानते हो और जिसके थ्रू आप वैसे जीते हो। चोरी करना गलत है, आपका ट्रूथ है तो आप चोरी चकारी नहीं करोगे।
गवर्नमेंट का ऑफिशियल यदि सोचता है कि करप्शन नहीं करना है तो उसका बिलीफ सिस्टम और प्रिंसिपल उसके खिलाफ है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, आप कोई भी फैसला लेने से पहले ठीक है आपके प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव है और कस्टमर को पता नहीं चलेगा फिर भी आप बेचोगे नहीं हो, क्यों? क्योंकि आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल है कस्टमर की तरफ ईमानदारी। ठीक है, अभी हेनरी फेयॉल को फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोला जाता है। उन्होंने एक 1916 में फ्रेंच में एक बुक लिखी थी जिसको इंग्लिश में रूपांतर किया था 1949। डेफिनेशन आपको लर्न करना है और फिर आपका शुरू होगा ये 14 प्रिंसिपल्स, एक एक करके मैं बताते जाता हूँ। पहला प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, ये प्रिंसिपल हेनरी फेयॉल ने क्या बोला, आप काम को बांटो, स्पेशलिस्ट लोग को लगाओ। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट डिपार्टमेंट में चार्टर को लगाओ, प्रोडक्शन में इंजीनियर को लगाओ, मार्केटिंग में एमबीए को लगाओ। सो आपने जब छोटे छोटे भाग में बांटा, स्पेशलिस्ट लोग को डिविजन ऑफ वर्क किया और स्पेशलिस्ट लोग को लगाया तो स्पेशलाइजेशन आता है। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके कॉलेज में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट या क्लर्क डाउनवर्ड जाता है ना, सो अथॉरिटी एक लीगल ताकत है जो डाउनवर्ड जाता है। बच्चे रिस्पॉन्सिबल है टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल है टू द टीचर्स, टीचर रिस्पॉन्सिबल है टू द प्रिंसिपल, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। सो अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, जहां पे भी अथॉरिटी वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, देयर मस्ट बी रिस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट स्मोकिंग अलाउड नहीं है, लेकिन बड़े कंपनीज में हो सकता है सिगरेट के स्मोकिंग जोन हो, वहीं पे आप स्मोक कर सकते हो, बाकी जगह नहीं, और बाकी जगह पे किया तो पेनल्टी और मॉनिटरी फाइन वो सब लगता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल बोलता है कि कितने भी एग्जीक्यूटिव्स रहे यू मस्ट रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट टीम है, 11 प्लेयर है, दो कैप्टन है, एक बोलता है बुमराह को पहला बॉल डाल, एक बोलता है शमी को डाल, कंफ्यूजन होगा। सो देर मस्ट बी ओनली वन कैप्टन, सो 10 लोग रहे बट दे शुड रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस, तो इसको प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं। इसका ऑपोजिट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑपोजिट मतलब विपरीत सिमिलर टाइप का, बट कंसेप्ट क्या बोलता है, तुम 10 प्लान बनाओ बट इम्प्लीमेंट एक करो। तुमको यहाँ से मुंबई जाना है, ट्रेन का सोचो, बस का सोचो, रिक्शा का सोचो, कार का सोचो, साइकिल का सोचो, चल के सोचो, बट एक ही इम्प्लीमेंट करो। लॉजिक समझ में आया? सो वंस यू इम्प्लीमेंट वन प्लान तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज हैव मेनी प्लान, बनाओ 10 प्लान बट इम्प्लीमेंट एक करो। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, आपका एक इंटरेस्ट है, गोल है, कंपनी का एक गोल है, दोनों के गोल मिसमैच है। कंपनी चाहता है आप 100 गाड़ियां बेचो, आप बोलते हैं मैं 80 बेचूंगा, तो कंपनी के गोल कैसे अचीव होंगे? फॉर एग्जाम्पल एप्पल महीने में बनाता है, नहीं साल में, पिछले साल 56,000 करोड़ के मोबाइल फोन बनाए। अभी एम्प्लॉई ने सबने मिलाकर गोल बनाया कि हम 50,000 करोड़ का बनाएंगे, तो एप्पल का टारगेट मीट नहीं होगा। तो एफर्ट्स मस्ट बी टेकन की इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट साथ साथ चले। लॉजिक समझ में आया? नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन क्या बोलता है, डिसीजन मेकिंग टॉप में लिया जाए। फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी ने 5G डिसाइड किया लॉन्च करना है, डिसीजन मेकिंग टॉप में, बाकी लोग को सिर्फ फॉलो करना है। लेकिन रिलायंस में 2 लाख के ऊपर लोग हैं, चलेगा क्या? नहीं, बाकी लोअर के लोग को भी डिसीजन लेना पड़ेगा। सो सेंट्रलाइजेशन मीन्स डिसीजन इज टेकन एट द टॉप, बाकी लोग को फॉलो करना है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन टॉप, मिडिल और लोअर सबको करना है। आइडियल क्या है कंपनी में? दोनों, सर्जरी चल रहा है वहां पे सेंट्रलाइजेशन चाहिए, ब्रेन सर्जन है वो डिसाइड करे, वो थोड़ी बोलेगा कि क्या बोलते कंपाउंडर क्या करना है, पेशेंट तब तक शहीद हो जाएगा। कहीं पे सेंट्रलाइजेशन चाहिए लेकिन कंपनी में क्या चाहिए? दोनों। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन, बहुत ज्यादा रेमुनरेशन दिया तो कंपनी घाटे में चली जाएगी, बहुत कम दिया तो एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा। एक डायमंड कंपनी में एक काम जो करते हैं ना डायमंड का, उसको ट्रेन करने के लिए 10 लाख रुपए का खर्चा आता है, खराब करेगा डायमंड ये सब, तो आप रेमुनरेशन कम दोगे वो छोड़ के गया तो परवड़ेगा नहीं, ज्यादा दोगे तो कंपनी लॉस में जाएगा, तो फेयर दो, स्किल के हिसाब से दो। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ये देखो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर, क्लर्क, डाउनवर्ड्स दिख रहा है, ये साइंस का स्ट्रीम है, ये कॉमर्स का स्ट्रीम है। सपोजली फिजिक्स की टीचर आपके ओसी के टीचर से बात करना चाहिए, कचार करना चाहती है, तो वो सी से परमिशन लेने के बजाय डायरेक्टली बात कर सकती है, एक गैंग प्लैंक ड्रॉ किया है। सो स्किलर चेन टॉप टू लोअर लेवल का हायरार्की बताता है, सो शी कैन डायरेक्टली टॉक टू जी इफ ऑर्गेनाइजेशन में वैसा फ्लेक्सिबिलिटी। और एग्जाम में
आपको एनी फाइव प्रिंसिपल बोला तो ये जरूर ड्रॉ लिखना, क्योंकि इस पर चार्ट है, ग्राफ है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर मतलब हर हर चीज की सही जगह होनी चाहिए। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग मतलब हर जगह में सही चीज होनी चाहिए और हर चीज की सही जगह होनी चाहिए, क्योंकि इफ कंफ्यूजन रहेगा, मिसमैच होगा, तो प्रॉब्लम होती है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। आप जाते हो बैंक में, एक आईसीआईसीआई ने, अरे बेस्ट एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, आप जाते हो एडिडास में, आपको 7 यूरोपियन या 10 यूरोपियन साइज चाहिए, वो बोलता है 9 है, तो 10 ऊपर होगा, वो ऊपर बोलेगा ऊपर वाला, जरा ऊपर, एक आदमी जाएगा नीचे फेंकेगा। मैं एक एग्जाम्पल यूके या लंदन का अभी देखा, वो लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में फीड डेटा यहाँ से एंट्री करते, कन्वेयर बेल्ट से वो 10 वाला साइज नीचे आता है। टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग मस्ट बी ऑर्डर, ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक का लॉकर, आप जाओगे लॉकर में चाबी खोलोगे, ढूंढोगे पहले, वो लोग फीड करते ऊपर से, लॉकर कन्वेयर बेल्ट से नीचे आएगा, वो आदमी बाहर चले जाएगा, आप यहीं के वहीं कर लो, आपको जाने की जरूरत नहीं वहीं पे। ऑफकोर्स वो प्राइवेट रूम रहेगा। सो एवरीथिंग मस्ट बी एट इट्स प्रॉपर प्लेस। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, देखो कंपनी में झाड़ू मारने वाला, एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ सब है, सबको सरीका ट्रीट करो, पगार कम ज्यादा होगा, सबको सम्मान इक्वल मिलना चाहिए। आया समझ में? देर मस्ट बी फेयर फ्रेंडली, मैनेजर को सबॉर्डिनेट्स के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, सबको इक्वल दर्जा देना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यदि नौकरी का ही गारंटी नहीं तो एम्प्लॉय बार बार जॉब चेंज करेगा, बार बार, इसको एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर बोलते हैं। लेबर टर्नओवर में एक नौकरी छोड़ के गया, बायजूस में क्या हो रहा है, फटाफट लोग नौकरी छोड़ रहे हैं ना, जॉब का गारंटी नहीं, पगार का गारंटी नहीं, तो इसकी वजह से क्या होता है, बायजूस का जो वर्क स्ट्रक्चर है, एक आदमी व्हाइट हैट से आया, उसका वर्क स्ट्रक्चर अलग, उसको वापस से ट्रेन करो, नुकसान होता है ना कंपनी का। तो आप सीधा बोलो, एज लॉन्ग एज तू काम ठीक से कर रहा है तो पगार मिलेगा, नौकरी से हटाया नहीं जाएगा, तो स्टेबिलिटी रहेगा तो काम का एफिशिएंसी बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब आप मैनेजर को बोल रहे हो कि तेरे हिसाब से इनोवेटिव तरीके से काम कर, हो सकता है वो तरीका वंदे भारत एक्सप्रेस, कल नौ लॉन्च हुए, 32, जिसने डिजाइन किया सोचो कितना बेस्ट ट्रेन आ गया, एक्सपोर्ट ऑर्डर इंडिया पूरा नहीं कर पा रहा, इतने डोमेस्टिक ऑर्डर्स है। सो इनोवेटिव, जब एक आदमी को इनिशिएटिव बार बार लेने का मौका दिया जाता है तब जाकर वो लीडर बनता है, बार बार रोक टोक किया तो लीडर कैसे बनेगा। और लास्ट में पूरे कंपनी में क्या चाहिए, शांति चाहिए, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। आया समझ में? अब इसके 14 पॉइंट्स मैंने स्टोरी के थ्रू लर्न करके बताया हुआ है, मैं एक एक करके बताता हूँ ना। हो सकता है बुक के पॉइंट थोड़े आगे पीछे हो, लेकिन ये स्टोरी, ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। बीवाई के एक नासिक में कॉलेज है, आप कोई भी कॉलेज पकड़ लो, ठीक है, एक कॉलेज है, दो क्लासरूम्स हैं, इस क्लासरूम में एक प्रिंसिपल है, वो कॉमर्स का टीचर है, दूसरे बाजू वाले क्लासरूम में या रूम है, ऑफिस का रूम है, इस ऑफिस के रूम में कौन है, प्रिंसिपल, वो कॉमर्स का प्रिंसिपल है, बाजू में साइंस का प्रिंसिपल है। सो डिवीजन ऑफ वर्क क्या, काम कॉमर्स का कॉमर्स संभाल रहा है, वाइस प्रिंसिपल क्या संभाल रहा है, साइंस संभाल रहा है। अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रिंसिपल के पास है, दोनों रूम के बीच एक कांच लगा हुआ है, उसमें एक वर्ड चिपकाया हुआ है, डिसिप्लिन। ठीक है, उतने में एक टीचर आती है, पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, दो रूम्स है, एक में प्रिंसिपल कॉमर्स का, बाजू वाले रूम में वाइस प्रिंसिपल साइंस का, अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रिंसिपल के पास है, दोनों के रूम के बीच में कांच है, उसमें चिपकाया हुआ है डिसिप्लिन। उतने में एक साइंस की टीचर आती है कॉमर्स के प्रिंसिपल के कैबिन में कि आज का कमांड क्या है, प्रिंसिपल बोलता है तू वाइस प्रिंसिपल के कैबिन में जा, डायरेक्शन देता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, समझ में आया। तो वो जाती है, थोड़ी देर बाद उसके एक जूनियर आती है, मैनेजमेंट भाषा में जूनियर को सबॉर्डिनेट बोलते हैं, उसकी सबॉर्डिनेट आती है और बोलती है प्रिंसिपल को, सर आज मेरा रेमुनरेशन हो सकता है, आज 7 तारीख होगी, 7वां पॉइंट, मेरा रेमुनरेशन हो सकता है। प्रिंसिपल बोलता है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक ले ले, सेंट्रलाइजेशन। वो बोलती है थैंक यू सर, मैं डिपॉजिट करने जाऊँ, वो बोलते हैं ओके, जाते समय चेन लगा के जाना, स्केलर चेन, वो चेन लगा के जाती है। उतने में प्रिंसिपल एक ऑर्डर निकालता है कि हर एक स्टूडेंट को एक इक्विटी शेयर खरीदना पड़ेगा, क्या निकालता है, हर एक स्टूडेंट को एक इक्विटी शेयर खरीदना पड़ेगा। उतने में वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल के कैबिन में आते हैं, बोलते हैं मेरा टेन्योर खत्म हुआ, 12 साल का मेरा टेन्योर था, खत्म हुआ, मैंने इनिशिएटिव लिया,
मेरे दूसरे कॉलेज में जॉब लग गया और प्रिंसिपल आप मेरे साथ हमेशा अच्छे रहे, तो आपको एस्पिरिट की घड़ी देने आ रहा हूँ। एस्पिरिट की घड़ियाँ परफ्यूम्स आते हैं। पॉइंट नंबर वन, चलो फटाफट डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल कॉमर्स का प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल साइंस। अथॉरिटी किसके पास? प्रिंसिपल के पास। वाइस प्रिंसिपल के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों के बीच कैबिन के बीच में कांच है, उसमें क्या चिपकाया हुआ है? डिसिप्लिन। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टीचर आती है साइंस की प्रिंसिपल के कैबिन में, जो कि कॉमर्स है। आज का कमांड क्या है? वो डायरेक्शन देता है, यूनिट ऑफ डायरेक्शन। वाइस प्रिंसिपल के कैबिन में जा। फिर उसकी सबॉर्डिनेट आती है, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बोलती है मेरा रेमुनरेशन हो सकता है 7 तारीख है, ओके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक ले ले, जाते समय चेन लगा के जा, स्केलर चेन। फिर वो ऑर्डर निकालते हैं, हर एक स्टूडेंट को एक इक्विटी शेयर खरीदना पड़ेगा। फिर क्या होता है? फिर वाइस प्रिंसिपल कैबिनेट में आते हैं, मेरा टेन्योर खत्म हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। और मैंने इनिशिएटिव लिया, मेरे को दूसरे कॉलेज में जॉब मिल गया, आपके लिए स्पिरिट डी कॉप्स के गिफ्ट लेके जा रहा हूँ। समझ में आया? ये पहला स्टोरी। अब आप क्या कर सकते हो? आपका वापस से मैं आपको टॉप में जाकर बताता हूँ। वैसे तो 5 पूछेंगे, लेकिन आपको 14 के 14 याद रहेंगे, ठीक है? अभी ये जो है, मैंने आपको मीनिंग और डेफिनेशन ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है? ये जो मीनिंग और डेफिनेशन है, आप ये हर जगह पे यूज कर सकते हो। कुछ भी पूछा ना, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, नेचर, और 1 2 3 4 ऐसा। सो अभी हम क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 1 देखेंगे। देखो अपना नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये करीबन 4 मार्क का आना चाहिए। 8 मार्क का इस चैप्टर में से कोई भी पूछेंगे नहीं, क्योंकि 12 मार्क का ही चैप्टर है। 8 का पूछेंगे तो सिर्फ 4 ही बचेगा बाकी के लिए। सो 4 मार्क का एक, 5 मार्क का एक, और 3 मार्क के ऑब्जेक्टिव, या ऑब्जेक्टिव नहीं आके केस स्टडी भी आ सकता है 3 मार्क का, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। पहला, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स विच गाइड्स योर डिसीजन एंड एक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल, यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ क्रिकेट टीम में 2 कैप्टन रहे नहीं चलेगा, 2 प्राइम मिनिस्टर रहे नहीं चलेगा, 2 प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? सो यूनिवर्सल, हर जगह एक ही लीडर होना चाहिए। आप जिसको रिपोर्ट करो, आप 2 को रिपोर्ट करो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आ रहा समझ में? सो यूनिवर्सल है, सब जगह पे वर्ल्ड में लागू होता है कि देयर मस्ट बी ओनली 1 बॉस। दूसरा, जनरल गाइडलाइंस। अभी ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं कि आपको 20% प्रॉफिट बताना है। एक प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेमुनरेशन है, आप पगार दो, फेयर दो, स्किल है उसके हिसाब से ज्यादा दो, स्किल नहीं है उसके हिसाब से कम दो। समझ में आ रहा है? सो ये प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइंस है, आप फॉलो करो, आप स्किल के हिसाब से पगार दो, एकदम ज्यादा भी नहीं, एकदम कम भी नहीं, जो आप स्किल के हिसाब से देते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज जनरल गाइडलाइंस। ये कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है, या नंबर के गाइडलाइन नहीं है, ये गाइडलाइंस है जो आप यूज कर सकते हो फैसला लेने के लिए। तीसरा, प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, मैंने हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल लिए, एक FW Taylor के भी प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। उसमें जो FW Taylor है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल दिए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, धमाका हो गया था, अरेस्ट भी हो गए थे। और हेनरी फेयोल ने भी, ही वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, उन्होंने भी अनुभव लेके, सोचो ना, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स करके प्रिंसिपल बनते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे है? एप्पल गिरा, सॉर्ट ऑफ है ना न्यूटन का स्टोरी, वैसे ही मैनेजमेंट में लोगों ने काम किया और फिर प्रिंसिपल्स बनाए। तो प्रिंसिपल और फंड, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट, FW Taylor ने तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसके बाद उन्होंने 1911 को बुक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे बहुत बढ़िया पॉइंट है, आपका जो प्रिंसिपल है, जैसे हॉस्पिटल में सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा रहता है, डॉक्टर मस्ट डिसाइड, लॉजिक समझ में आ रहा है? लेकिन बड़े कंपनी में दोनों होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। आप टोटल डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते तो कंपनी को डायरेक्शन कौन देगा? सो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। आप अभी इंडियन रेलवेज में 10 लाख कम लोग काम करते हैं, आप सेंट्रलाइजेशन कैसे कर सकते? लॉजिक समझ में आ रहा है? कल 9 ट्रेन नरेंद्र मोदी अपने प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया, लेकिन स्टेशन मास्टर जो ट्रेन चलाता है उसको क्या बोलते हैं? लोको पायलट। उनके भी तो डिसीजन होंगे कहाँ पे क्या करना है। सो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन दोनों है वहाँ पे, ठीक है? जो ट्रेन चलाता है उसको लोको पायलट बोलते हैं। बिहेवियरल इन नेचर। नाउ टेल मी, ऑर्डर मतलब आप हर चीज़ सही जगह पे रखो, ठीक है? आप देखो जापनीज लोग कैसे चप्पल सब एकदम बराबर उतारते हैं, तो इसलिए वहाँ पे डिसिप्लिन ज़्यादा है, कचरा कम है,
और बीमारियां कम है। और इनिशिएटिव ये भी एक प्रिंसिपल है जो बोलता है आप डिसीजन लो इनोवेटिव तरीके से, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये बिहेवियर में फर्क है। फिर कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, आप स्किल्ड हो तो आपको अच्छा पगार मिलेगा। फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो रिसर्च करते हैं उनको करोड़ करोड़ रुपया पगार रहता है, क्यों? क्योंकि नए दवाइयां वो लोग कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है। सो कॉज और इफेक्ट, आप अच्छा पगार दो, एकदम ज्यादा भी नहीं, रीजनेबल और अच्छा पगार दो तो लोग टिकेंगे भी आपके पास। और लास्ट का, सारे के सारे प्रिंसिपल इक्वल इंपॉर्टेंस है। कोई कंपनी में हो सकता है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा हो, यूनिटी ऑफ कमांड सब जगह है, मतलब 14 के 14 प्रिंसिपल्स इक्वल इंपॉर्टेंस है, यूसेज कम ज्यादा होगा। क्या आपको लॉजिक समझ में आई है? कितने पॉइंट्स थे ये? 7। अब इसको मैं लर्न करने के लिए एक सन का स्टोरी बताऊंगा। नाउ इस यूनिवर्स में, मैं चाहता हूं आप सोचो, यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में सन का ही ऐप चलता है, एप्लीकेशन चलता है, ठीक है? अब ऐसा सोचो, सन में से किरने किरने नहीं गाइडलाइंस निकलता है। सन में से क्या निकलता है? गाइडलाइंस। तुम्हारे नॉलेज के लिए, धरती से सन 14 करोड़ 94 लाख 50,000 किलोमीटर दूर है। तो सन से जो गाइडलाइंस निकलता है, रेज निकलता है, वो जैसे ही धरती को टच करता है, धरती में, ऐसा सोचो, पृथ्वी पहुंचता है तो धरती में प्रैक्टिस और आसमान में एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है। मतलब प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। चलो पॉइंट नंबर 1, सूरज यूनिवर्स का एप्लीकेशन है, मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेशन। वहां से क्या निकलता है? रेस, गाइडलाइंस। धरती पे टच हुआ तो नीचे प्रैक्टिस, आसमान में एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। और इतना पावरफुल है सन, लेकिन वो फ्लेक्स नहीं करता, दिखावा नहीं करता। बट सन को बड़ा आश्चर्य होता है इंसानी बिहेवियर का, कि इंसान कॉज, कारण चाहता है रिलेशनशिप में आने के लिए, बट जब ब्रेकअप होता है तो उसका इफेक्ट पूरा जिंदगी कुछ लोग के लाइफ में रहता है। पॉइंट नंबर 1 होएगा बेटा, कोई बात नहीं, हाँ तेरा नहीं होगा बेटा, सामने वाले को होगा, तुझे नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1 क्या है? सन का यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्या निकलता है? गाइडलाइन। धरती को छुआ, क्या होता है? नीचे प्रैक्टिस, आसमान में एक्सपेरिमेंट। सन फ्लेक्स नहीं करता, पर आश्चर्य होता है सन को कि इंसान का बिहेवियर बड़ा अजीब है। जो कॉज, कारण आदमी चाहता है कॉज रिलेशनशिप में आने, बट जब ब्रेकअप के बाद इफेक्ट पूरा जिंदगी रहता है। और फिर जिंदगी भर वो दूसरों के प्रिंसिपल्स में रहता है, दूसरों के कमेंट्स को इक्वली इंपॉर्टेंट देता है, और खुद के कम अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा देता है। ये 7 पॉइंट समझ में आए आपको? तो ये आपका स्टोरी बनेगा, सन स्टोरी। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। वापिस मैंने आपको क्या बोला था? ए बी लिखोगे आप, ख्याल में आ रहा है मैंने क्या बोला था? ये जो ए बी और सिग्निफिकेंस, एक एक करके आप शुरू कर सकते हो। चलो एक एक करके देखते हैं। प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजर्स मैनेजमेंट है, और एफ डब्ल्यू टेलर के अपने प्रिंसिपल्स हैं। मैनेजर को इंसाइट देते हैं। व्हाट इज इंसाइट? आप जब टीम बनाते हो तो भाई एक लीडर रखो, वाइस कैप्टन रखो, लेकिन कैप्टन के एब्सेंस में वाइस कैप्टन विल लीड। इंसाइट रहता है, इनिशिएटिव। सो मैनेजमेंट में इनिशिएटिव भी देना जरूरी है। सो ये प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए आप फैसला लोगे तो आपसे गलतियां कम होंगे, कम होंगे। दूसरा, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यहाँ पे 2 प्रकार है, फिजिकल मटेरियल मशीन, ठीक है ना, एंड ह्यूमन रिसोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? मैन पावर, लिमिटेड है। मैन पावर क्या है? लिमिटेड है। आज पेगाट्रोन के फैक्ट्री में आग लग गई, 10% आउटपुट पेगाट्रोन सप्लाई करता है इंडिया में, 55,000 करोड़ का एक्सपोर्ट, इंडिया में नंबर 1 एक्सपोर्टर मोबाइल फोन का एप्पल बन गया है। अभी उनको रिसोर्सेज बेस्ट इस्तेमाल करना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बहुत क्लियर है, आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास हमेशा क्या रहेगा? लिमिटेड। आप ऑर्डर सब चीज सही जगह पे रखो, आपके पास टाइम कम है, रिसोर्सेज की कमी है, आपका 24 घंटा मशीन चल रहा है, और ऑर्डर एकदम गजब है एप्पल के, और अगले 5 साल में 5 गुना टर्नओवर करने वाला है। पिछले साल एप्पल 14 से जितना 100 यदि बिका था ओपनिंग डे, तो इस बार डबल हो गया है एक दिन में। एप्पल आईफोन 15 को डबल रिस्पांस मिला है इस साल, ठीक है? तो तीसरा, साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन क्या है? सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। बड़े फैसले टॉप मैनेजर ले, छोटे फैसले टॉप
लोअर लेवल पे, जैसे कि प्रिंसिपल को कॉलेज चलाना है, एग्जामिनेशन के डेट्स तय हो गए, क्वेश्चन पेपर सेटिंग टीचर करे, चेकिंग टीचर करे, बट डेट्स सब प्रिंसिपल और टीचर्स मिलकर डिसाइड करे, साइंटिफिक डिसीजन, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ फेयर रेमुनरेशन, जवाबदारी नहीं है तुम्हारी. अच्छा, यदि रेमुनरेशन कम रहे तो क्या होगा? रेमुनरेशन कम रहे, एम्प्लॉय का घर नहीं चलेगा, वापस चोरी चकारी बढ़ेगा. और एक और है, जैसे कंपनी के लोगों को तो निकाल दिया, गूगल या फेसबुक में से एक आदमी को निकाला था, उसने डाला था 1000 जगह अप्लाई किया, किसने नौकरी नहीं दिया, 1000 प्लेसेस. मार्केट डाउन है, सॉलिड डाउन है, शेयर बाजार 3 दिन से 1500 पॉइंट डाउन था, साफ पता चल रहा है. तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, जापानीज कंपनी क्यों आ गए, वो लोग लॉस भी हुआ है तो भी कोशिश करते हैं एम्प्लॉय को नहीं निकालना, और यहाँ पे अमेरिकन कंपनीज फटाफट निकालते हैं. तो जवाबदारी है. व्हाट अबाउट वो आदमी का ईएमआई, 3 महीने का पगार देके हकाल देते हैं. फेयर रेमुनरेशन प्रिंसिपल है, लेकिन स्टेबिलिटी वो भी तो एक है, जॉब का स्टेबिलिटी तो दो. अभी गूगल का हुआ था, एक को प्रमोशन दिया, प्रमोशन होने के 15 दिन में हकाल दिया, ऐसे भी केसेस होते हैं. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. एनकरेजेस आर एन डी, सीधी बात है. अभी आ गया 48 मेगापिक्सल आपका, अभी देखो आईफोन 15 में बैटरी का क्या स्कोप है. अच्छा एक जोक बताता हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आईफोन 15 प्रो मैक्स, ठीक है, तेल लग गया उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, कलर चेंज हो जाता है. तो लोगों ने कंप्लेंट किया, तो एप्पल ने क्या कमेंट डाला कि कलर चेंज होता है हम भी स्वीकारते हैं, आप एक कपड़ा, सॉफ्ट कपड़ा, लिंट फ्री, धागा वागा नहीं होना चाहिए, वो यूज़ करो, और बाय द वे वो कपड़ा हम रखते हैं 1900 रुपया. एप्पल ने वो कपड़ा 1900 रुपये का रखा है, सोचो. सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तो मैं तो सोचा ही नहीं था कलर बदलेगा, तो सब कमेंट डाल रहे हैं तेल गिरा तो, हाँ कलर भी निकल रहा है, सब न्यूज आ रहा है. तो उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट 1 साल में लॉन्च करना रहता है, कितना रिसर्च करेंगे, लॉजिक समझ में है. अभी एक और चीज़, अभी पैरलिस जो आदमी रहता है ना, जो वेस्ट से नीचे या गले से नीचे, अभी इलॉन मस्क की कंपनी को परमिशन मिला है, आई थिंक 10 लोग को ब्रेन में जो मूवमेंट का एरिया है ना, ये आपका फ्रंटल लोब हो गया, ये आपका आई थिंक जो पैराइटल है ना, अलग अलग लोब्स है पूरे सर पे, अलग अलग लोब्स में बांटते हैं, उसमें चिप डाल सकते हैं, और फिर ये चलेगा 4 से टोटल 10 साल का एक्सपेरिमेंट, फिर सक्सेसफुल हुआ तो लॉन्च होगा. तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनको परमिशन मिल गया ब्रेन में चिप डालने का. सो जो पैरालिसिस जिसको हुआ है, जो फंक्शन वो काम नहीं कर रहा, वो चिप करेगा. सो 10 साल बाद यदि वो सक्सेस हुआ, तो पैरालिसिस लोग के ब्रेन में चिप इम्प्लांट करके उनको चलाने का कोशिश किया जाएगा. सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, आपकी जवाबदारी है. आप प्रोडक्शन फिर हर जगह पे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, अगेन FW Taylor अगला जो है उसका प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट शुड थिंक, वर्कर्स शुड प्रोड्यूस, थिंकिंग एंड डूइंग फंक्शन अलग, और कोऑर्डिनेशन में काम करो. सो सब प्रिंसिपल्स या तो हेनरी फेयोल के लो या FW Taylor के लो, ठीक है, वो कंपनी को आगे लेके जाते हैं, कोऑर्डिनेटर कंट्रोल, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है. बोलते ना आपका जो ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, परसेंटेज, प्रॉफिट, रिटर्न्स. अभी सिंपल सा हिसाब ले लो, एप्पल कितना, एप्पल का टर्नओवर कितना है ग्लोबल, आईफोन का पाकिस्तान का जितना GDP उससे ज़्यादा अकेला एप्पल बेचता है, 16 लाख करोड़ के फोन्स बेचता है, पिछले साल बेचे आईफोन, सिर्फ आईफोन की बात कर रहा हूँ, और इंडिया से 55,000 करोड़ के आईफोन्स बेचे. सो ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखो, प्रॉफिटेबल अप्रोच रखो. और एक और है, FW Taylor का मानना था मैक्सिमम आउटपुट लाओ, ये कितने पॉइंट से बताओ, इसका लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बताया था. अच्छा, नासिक में कचरा लेने घंटा गाड़ी आती है, तो देखो घर की मैनेजर कौन है, हाउसवाइफ, घर की मैनेजर कौन है, हाउसवाइफ. तो जैसे ही घंटा गाड़ी दिखती है, वो रिसोर्सेज मतलब कचरे को यूटिलाइज करती है, और डिसीजन लेती है कि गीला और सूखा. हमारे बिल्डिंग में यदि आपने गीला और सूखा कपड़ा कचरा नहीं रखा ना, वो लोग लेते नहीं है. ग्रीन और ब्लू ऐसे दो लगता है, क्लियर कट. इफ आपने एक में रखा, ठीक है, कलर भी या क्लियर नहीं बताया, तो वो लोग कचरा उठाएंगे नहीं. महानगर पालिका का क्लियर ऑर्डर्स है,
एटलीस्ट हमारे बिल्डिंग में 170 फ्लैट है तो उनको बाइफरकेट करना पड़ता है. सो वो डिसीजन लेती है कचरा ब्लू और ग्रीन में. अब हाँ मैं रहता हूँ सेरेन मेडोज में, ठीक है. पॉइंट नंबर वन क्या है बोलो, एक मैनेजर है उसको साइट होता है घंटा गाड़ी, बताऊंगा सब बताऊंगा बेटा अभी रिविजन कर ले. मैनेजर घर की मैनेजर कौन है, हाउसवाइफ, उसको क्या होता है साइट घंटा गाड़ी. वो क्या करती है रिसोर्सेज जमाती है और गीला और डिसीजन लेती है गीला और सूखा कपड़ा कचरा, कपड़ा या कचरा बोलो, अलग करें. अभी म्यूनसिपलिटी की जैसे गाड़ी आती है उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है. मैं एक जगह बोलता हूँ, दिल्ली में एक जगह है जो कचरा का ढीक जमा होता है, वो इतना कचरा जमा हो गया है करीबन 7-8 फुटबॉल फील्ड जितना और ताजमहल होटल का जो साइज़ है उतना ऊपर हो गया है. तो आजू बाजू चूहे और जो जो पोल्यूशन हुआ है अब उसको हटाने कितना महीने और साल लगेंगे. तो ऐसा सोचो, नासिक के म्यूनसिपाल्टी रिसर्च सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बच्चों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने को बोलते हैं कि कचरे का क्या करें. बच्चे लोग आइडिया लगाते हैं, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करते हैं और एक ऐसा ऑब्जेक्टिव अप्रोच बनाते हैं जिससे आप कचरे को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. कुछ ऐसे देश है, मुझे लगता है सिंगापुर या हांगकॉन्ग, वहाँ पे कचरा कम पड़ता है इतना वो लोग 100% इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. और कुछ देश मैंने सुना कचरा मांगते हैं उल्टा ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सके, ठीक है. तो ये आपके 7 पॉइंट है. अभी हम आगे बढ़ते हैं. मैंने आपको थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट मना किया था क्योंकि एक बस 4-5 या 8 लाइन का राइटअप है, इसका कोई यूज़ नहीं. अभी आपको क्या करना है, कौन सा है एफ, ये 14 पॉइंट्स मैंने ले लिया है. नेक्स्ट क्या है, एफ डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर. नाउ ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वापस आप क्या लिखोगे, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, इसका राइटअप आप ये यूज करना जो मैंने बनाया है. देखो हेनरी फेल का तो ले लिया, ये देखा आप मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, एफ डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ये अमेरिकन मैनेजमेंट एक्सपर्ट था. इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं. 1911 में इन्होंने बुक लिखी थी, इसमें इन्होंने क्या क्या दिया था, लेट अस स्टार्ट विद दिस, ठीक है. पहला प्रिंसिपल्स दिए थे इन्होंने किसके, मैनेजमेंट के, वो हम एक एक करके शुरू करते हैं. पहला क्या बोला था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. आज 100 साल पहले बुक लिखी गई है, तभी क्या होता था बताओ, तभी मैनेजमेंट में जिसको जो प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस करो. अभी देखो सब सोफिस्टिकेटेड. मैंने क्या ICICI का एग्जाम्पल लिया, बटन दबाया लॉकर आपका नीचे आ जाएगा. आई थिंक UK में बटन दबाया या कंप्यूटराइज फीड किया डेटा, वो अपने आप आपका शू साइज आ जाएगा. सब टेक्नोलॉजी है ना. अभी जो शायद जैसे 9 का दिख रहा है आपको 10 चाहिए, 10 ऊपर होगा गोडाउन जो भी है, तो जाने की जरूरत नहीं है, उधर कंप्यूटराइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो जाता है. सो साइंस लाओ हर चीज में. दूसरा हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड. उन्होंने दो भाग में बांटा, मैनेजमेंट के लोग अलग, वर्कर्स लोग, दोनों में हार्मनी, खुश रहो, मैक्सिमम आउटपुट लाओ, कोऑर्डिनेट करो. मेंटल रिवॉल्यूशन, व्हाट इज मेंटल रिवॉल्यूशन, इक्वल इंपॉर्टेंस, मैक्सिमम गोल अचीव करो. एक और चीज बोला जो इसमें कहा नहीं, मैक्सिमम आउटपुट लाओ, ये कहा था. कोऑपरेशन, इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं, ग्रुप का. अच्छा इन्होंने ग्रुप को भी इतने भाग में बांटा ना, कैसे कैसे भाग में, कि पहला क्या करेगा, अटेंडेंस लेगा, दूसरा टाइम रिकॉर्ड करेगा, तीसरा कॉस्ट करेगा, चौथा जॉब देगा, ऐसे अलग अलग. इसको फंक्शनल फॉर्मेंटशिप बोलते हैं. सो उन्होंने कॉपरेशन बोला और ग्रुप बनाया, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो भाग में बांटा. मैनेजमेंट शुड थिंक, वर्कर्स शुड डू द जॉब. थिंकिंग और डूइंग फंक्शन अलग कर दिया और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने ग्रेटर एफिशिएंसी और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी से आउटपुट लाना चाहिए. अच्छा ये 6 पॉइंट है, इसमें मैंने एक दो पॉइंट और जोड़े हैं. जैसे आप वर्कर्स को साइंटिफिकली सेलेक्ट करो, उनको ट्रेनिंग दो, तो ये पॉइंट आप जोड़ोगे तो आपको एड ऑन या वैल्यू एडिशन मिलेगा. क्योंकि जैसे आजकल ITI होता है ना, टर्नर और फिटर, जिन्होंने कोर्स किया है उनको लो और काम पे लगाओ. तो इस पे मैंने एक बहुत, मेरे को लगता है आपको स्टोरी ख्याल में आ जाएगा. एक साइंस की टीचर है, वो प्रैक्टिकल, नाम है स्टोरी का साइंस प्रैक्टिकल एंड आइंस्टाइन. अभी एक साइंस की टीचर रहती है, ठीक है, वो ऐसा सोचो पॉइंट आउट करती है कि आप लेबोरेटरी में जाओ. बच्चों को क्या बोलती है, पॉइंट, थंब से पॉइंट आउट करती है, आप लोग सब कहाँ जाओ, लेबोरेटरी में जाओ. बच्चे लेबोरेटरी में जाते हैं तो टीचर लेबोरेटरी के बाहर हारमोनियम बजाती है. थोड़ा सिली लगेगा बट विजुअलाइज के लिए बेस्ट है. पहले क्या है, साइंस की टीचर रहती है, थंब से पॉइंट आउट करती है लेबोरेटरी रूम में जाओ. लेबोरेटरी के बाहर हारमोनियम बजाती है, बच्चे लोग अंदर जाते हैं, वो लोग
फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेंटल में जो घड़ी है ना उसका रिवॉल्यूशन, जो कांटा घूम रहा है उल्टा, ये रहा मेंटल रिवॉल्यूशन का। फिर वो पहला पॉइंट क्या था, साइंस की टीचर देती है साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब, थंब से बोलती है कहाँ जाओ, लेबोरेटरी। उसके बाद हारमोनियम, हारमोनियम नॉट डिस्कॉर्ड, फिर मेंटल रिवॉल्यूशन। फिर वो बोलती है कि जो भी तुम लोग में से मैं साइंटिफिकली जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन बच्चों को चुनूंगी फिजिक्स के ओलंपियाड के लिए, ठीक है। फिर बच्चे बोलते हैं उसके लिए तो एडवांस ट्रेनिंग लगेगा, तो बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके ट्रेनिंग के लिए आइंस्टाइन को बुलाऊंगी साइंटिफिक ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए। जैसे आइंस्टाइन आते हैं वो बोलते हैं कि डिवीजन कर देते हैं, लड़के ऐसा है लड़कियाँ ऐसा, डिवीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं और बोलते हैं बच्चों को ट्रेनिंग से पहले एम्प्लॉयर जो स्कूल है और एम्प्लॉय जो टीचर है उनका मैं एफिशिएंसी बढ़ाऊंगा और फिर तुम्हारा ट्रेनिंग करूंगा। चलो सातवां पॉइंट, टीचर साइंस की टीचर साइंटिफिकली नॉट रूल ऑफ थंब, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के बाद हारमोनियम, स्कूल के अंदर मेंटल रिवॉल्यूशन, आप लोग को साइंटिफिकली सेलेक्ट करूंगी, यस। फिर ट्रेनिंग के लिए आइंस्टाइन को बुलाऊंगी, आइंस्टाइन आता है डिवीजन कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और बोलता है पहले एफिशिएंसी के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। और बस आखिरी क्वेश्चन रह जाएगा चैप्टर का, अभी ये क्या है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। अच्छा वर्क स्टडी, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक पेन लिफ्ट करना है यहाँ से, ठीक है। नाउ इफ यू चेक आउट, यहाँ से मैं पेन लिफ्ट करके इधर लिख रहा है, मेरे बॉडी के मूवमेंट्स कितने हुए, दो। एफ डब्ल्यू टेलर जो कि मास्टर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, जिनको बोलते हैं ना फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, वर्क स्टडी के तहत मैंने पेन लिया, कितना टाइम लगा, पहला क्या उसने स्टडी किया प्रोडक्शन के लिए, बॉडी मूवमेंट्स का टाइम देखो, मेथड देखो, बॉडी के मोशंस देखो, थकान देखो, ये चारों को मिलाकर क्या बनता है वर्क स्टडी। ये उन्होंने ये स्टडी करने के बाद प्रिंसिपल्स दिए, क्या प्रिंसिपल था, पहले आप टाइम देखो, हर एक बॉडी मोशन देखो, बॉडी मोशन में कितना टाइम लगता है देखो, काम का मेथड देखो, उसको शॉर्टन करने की कोशिश करो और फटीग कब वर्कर थकता है वो देखो। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट, नैनो गाड़ी में इन्होंने किया था, जो स्क्रू एंड नट्स है ना थोड़े स्टैंडर्डाइज कर दिए थे, 50 प्रकार के रखोगे तो सर्विसिंग वालों को तकलीफ होता है, आजकल देखो सिमिलर टाइप के स्क्रूज ही बहुत जगह पे आते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन इसको बोलते हैं। फिर साइंटिफिक टास्क सेटिंग, आप साइंस जो भी वर्क करे उसको प्रॉपरली टास्क सेट करो, दिन का प्रोडक्शन प्लान, आजकल डेली प्रोडक्शन प्लान होते हैं वो करो। अच्छा पहले वर्कर को साइंटिफिकली सिलेक्शन दो करो, फिर ट्रेनिंग दो। आपको एरोप्लेन में एरोस्टेस बनने के लिए 8 महीने का ट्रेनिंग लगता है, 8 से 10 महीना, फिर आप प्लेन में उड़ोगे, उसके पहले नहीं। साइंटिफिकली पहले तो हाइट ये सब देखते, उसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद फ्लाइट, वही साइंटिफिकली सेलेक्ट करो, फिर ट्रेनिंग दो, फिर काम। फिर फंक्शनल, मैंने ऑलरेडी बोला था प्लानिंग और डूइंग दो अलग रहेगा, प्लानिंग में जो सोचेगा रूट लग हर एक जगह पे है, ये आइडिया बहुत अच्छा था बट इसमें एक प्रॉब्लम था, आपको हर एक जगह पे लोग लगेगा उसको पगार देना पड़ेगा, इससे स्पेशलाइजेशन जरूर आएगा लेकिन पगार ज़्यादा देना पड़ेगा। लास्ट में डिफरेंशियल पीस फेज रेट में इन्होंने दिया नहीं, मैं बताता हूँ, आपने 100 का आउटपुट दिया, उसने 80% आउटपुट लाया तो उसको 100 रुपये पगार दो, 100 आउटपुट लाया तो 120% दो पगार, 110% लाया तो 133% दो, मतलब मोटिवेशन आएगा ना उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करने का, तो ऐसा उन्होंने डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान दिया। समझ में आई है, इसको लर्न करने के लिए मैंने इसका भी एक स्टोरी बनाया है। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हर जगह पे आपका स्टार्ट ए बी कर लेना, ये मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का ये मैप है जहाँ पे वर्क होता है। सोचो सबसे पहले नॉर्थ में आ जाओ, नॉर्थ के लोग टाइम में बड़े पक्के हैं, साउथ के लोग का मेथड का काम बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट माने जाते हैं साउथ के लोग, तो उनका मेथड अच्छा। अपना वेस्ट मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हमेशा बॉम्बे हमेशा 24 आवर्स मोशन एक्टिव रहता है, और ईस्ट के लोग थक जाते हैं, बारिश रहती है उसमें क्या करें, बोर होते हैं। नॉर्थ में क्या टाइम, साउथ में क्या मेथड, वेस्ट में क्या मोशन, ईस्ट में क्या फटी। फिर नेक्स्ट, अभी मैप में सेंट्रल जगह पे आओ, कहाँ पे, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खाना नमकीन स्टैंडर्डाइज, पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट नमकीन राजस्थान और एमपी में ही आपको मिलना है। और इंदौर में जाओगे, इंदौरी जो भी है ना, चेवड़े से लेकर सेव से लेकर पूरे इंडिया में जो जाता है और एक्सपोर्ट होता है, इंदौर का जैसा आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो समझ में आया स्टैंडर्डाइजेशन,
उसके बाद फंक्शनल फॉरमैनशिप, भारत में पूरे इकोनॉमी का फंक्शन कहाँ पे है? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में से आ जाओ नासिक में, नासिक में साइंटिफिकली टास सेट करके वाइन बनाते हैं, फिर यहाँ से महाराष्ट्र में चले जाओ महाबलेश्वर में, वहाँ पे साइंटिफिकली सेलेक्ट करते हैं स्ट्रॉबेरीज को और लोगों को ट्रेनिंग देकर बनाते हैं। उसके बाद पहुँच जाओ नागपुर में जहाँ पे डिफरेंट प्रकार के ऑरेंजेस आते हैं, और लास्ट में बाकी पूरे देश में अदर प्रकार का आउटपुट आता है। लॉजिक समझ में आया? तो इस प्रकार से पांचों क्वेश्चन खत्म होता है। अच्छा, इसका मैंने एक और वीडियो बनाया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2024, फुल चैप्टर एक्सरसाइज का अलग से वीडियो है। ये तीन वीडियो अलग अलग देखोगे तो आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। कोई डाउट से किसी को? नहीं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।